छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि आज कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण दो प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, जिसमें आरक्षण को लेकर भी चर्चा की गई है। सीएम भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि आदिवासियों के साथ में कांग्रेस की सरकार लगातार खड़ी थी। इससे पहले पेशा कानून और अन्य कानूनों के कारण नहीं होने के कारण उनको कोई फायदा नहीं मिलता था, जिसके कारण आदिवासियों को दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता था, आदिवासियों को गोली तक मार दी जाती थी। इस तरीके के हालात उस दौरान में थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार जब से आई है तब से वो आदिवासियों के आरक्षण को लेकर, जब हाई कोर्ट में मामला गया भाजपा के कारण, हाई कोर्ट में मामला जो था वो आदिवासियों के पक्ष में आता हुआ नजर नहीं आया, आरक्षण के पक्ष में आता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अब कांग्रेस की सरकार जो है वो विशेष सत्र यहां पर विधानसभा का बुलाने जा रही है। तो इस तरीके के बयान को लेकर और क्या कुछ कहा है सीएम भूपेश बघेल ने, ये आपको सुनवाते हैं। 1-2 दिसंबर को जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसके बारे में कैबिनेट में डिसीजन हुआ, उसके विधेयक के जो मसौदा है उसके बारे में चर्चा हुई और जो आरक्षण है उसके बारे में भी बात हुई, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग EWS इसके आरक्षण के, और दूसरा ये है कि जो जिला में भर्ती की जाती थी उसके भी कोई एक्ट नहीं था, जिसको भी हाई कोर्ट ने निरस्त किया था, एक आदेश के माध्यम से उसको जारी कर दिया गया था, तो उसे भी निरस्त किया गया। तो जिलों के भी वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रदेश के आरक्षण है, उतना ही महत्वपूर्ण जिले के जो जिलों में जो पद होते हैं तृतीय चतुर्थ श्रेणी के, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, तो उसको भी एक्ट में लाया जाएगा। इस दौरान अनुसूचित जनजाति को 32, अनुसूचित जाति को 13, OBC को 27 और EWS को 4% आरक्षण देने की जो चर्चा है वो फिलहाल चल रही है। कैबिनेट में भी इसी बात को लेकर मुहर लग चुकी है, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो आदिवासियों की मांग थी, क्योंकि 58% जो आरक्षण बढ़ाने की बात थी उसमें जब कटौती की गई थी, हाईकोर्ट का जब फैसला आया था, तो उसके बाद से लगातार आदिवासी समाज नाराज चल रहा था, और अब उन्हें ही मनाने की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ विपक्ष के तौर पर भाजपा लगातार सरकार पर आरोप लगा रही थी कि सरकार आदिवासियों के आरक्षण को लेकर कुछ भी नहीं कर रही है। लेकिन अब विशेष सत्र बुलाया गया, उसके पहले आज कैबिनेट बुलाई गई, कैबिनेट में इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई, और सीएम भूपेश बघेल जिस तरीके से साफ कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी सरकार आदिवासियों के साथ थी, है और रहेगी, यानी कि साफ जाहिर है कि जो विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया गया है उसमें से जो आदिवासियों के आरक्षण को लेकर जब उस पर बात होगी, चर्चा होगी और कोई प्रस्ताव उस पर पास किए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आदिवासियों की जो मांग थी शायद वो मांग यहां पर सरकार पूरी कर सकती है। और ऐसे में, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा का उपचुनाव है, भानुप्रतापपुर का उपचुनाव है, और उसके बाद फिर विधानसभा सत्र के बाद में विधानसभा के चुनाव को लेकर भी यहां पर कई निशाना जो है वो आदिवासी सबसे प्रमुख मुद्दा रहा है। हालांकि लगातार भाजपा अब भी सवाल खड़े कर रही है कि भाजपा के कारण ही इस तरीके से जो दबाव है वो बन पाया है, और दबाव बनने के बाद अब ये फैसला लिया जा रहा है। हालांकि सरकार ने पहले ही कहा था कि जैसे ही सरकार हर संभव कोशिश करेगी, चाहे वो न्यायपालिका के पास जाना पड़े, चाहे वो विधानसभा का सत्र बुलवाना पड़े, और उन्होंने विधानसभा का सत्र बुलवा लिया है। तो अब ये जो पाला है, आदिवासी आरक्षण का जो मुद्दा है, वो किसके पाले में जाएगा और किस तरीके से विधानसभा से आदिवासियों को सीधे फायदा पहुंचाने की कोशिश यहां पर सरकार करती हुई नजर आएगी, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।